चलिए क्लास, अब एक पीएसवी सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, व्हाई डज द सीओ बॉन्ड लेंथ इन फिनॉल इज स्मॉलर देन दैट ऑफ सीओ बॉन्ड लेंथ इन मिथेनॉल। इसका मतलब ये है कि फिनॉल के अंदर जो सीओ बॉन्ड लेंथ होती है वो मिथॉल के अंदर जो सीओ बॉन्ड लेंथ है उससे कम क्यों होती है। अब आप इस वीडियो को एक मिनट के लिए पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आई होप क्लास आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, तो चलिए इसके सॉल्यूशन को समझ लेते हैं। तो क्लास, जो फिनॉल के अंदर सीओ बॉन्ड लेंथ होता है वो कम इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर जो कार्बन और ऑक्सीजन है उनके बीच का जो बॉन्ड है वो वैसे तो सिंगल बॉन्ड होता है, बट उसमें थोड़ा सा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी होता है। और ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर इस वजह से होता है क्योंकि ऑक्सीजन के जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो एरोमेटिक रिंग के साथ कंजुगेशन में होते हैं। चलिए समझते हैं कैसे। ये हमारा फिनॉल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर्स हैं और ये जो बॉन्ड है ये भी दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है जो कि एक पाई बॉन्ड है। तो क्लास, यहाँ पर जो ऑक्सीजन के लोन पेयर्स हैं वो बेंजीन रिंग पर डीलोकलाइज होंगे, इसीलिए ये लोन पेयर यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म करेंगे और यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। आप देख सकते हैं कि लोन पेयर्स ने बॉन्ड फॉर्म किया है और पाई इलेक्ट्रॉन्स के ब्रेक होने की वजह से नेगेटिव चार्ज कार्बन पर आ गया है। अब क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के तीन बॉन्ड फॉर्म हो गए हैं और ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर से बॉन्ड फॉर्म किया है, इसीलिए ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। बट यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ है और इसी तरह से फर्दर रेजोनेंस चलता रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम फिनॉल के रेजोनेंस को शो करेंगे तो वहाँ पर ऑक्सीजन और फिनॉल का जो कार्बन है जिससे ऑक्सीजन अटैच्ड है वहाँ पर एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। और हम ये जानते हैं कि जो डबल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड से कम होती है और क्योंकि एल्कोहल्स में इस प्रकार का कोई भी रेजोनेंस नहीं होता है और वहाँ पर ऑक्सीजन व कार्बन के बीच में कोई भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं होता है, वो प्योरली सिंगल बॉन्ड होता है। तो इसीलिए एल्कोहल के केस में CO की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू फिनॉल के केस में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड लेंथ से। क्लास, आपने इस टॉपिक में जो भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं उनकी समरी को यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा कि हम एल्कोहल्स को डिवाइड कर सकते हैं इन मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स में, जहाँ मोनोहाइड्रिक को फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जो पहली कैटेगरी है उसमें फिर से एल्काइल, एलाइलिक और बेंजाइलिक एल्कोहल्स होते हैं, जबकि सेकेंड कैटेगरी में विनाइलिक एल्कोहल्स होते हैं। इसके बाद हमने देखा कि हम फिनॉल्स को भी कैटेगराइज कर सकते हैं इन मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक में, और ईथर्स को भी हम डिवाइड कर सकते हैं सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर्स में एंड मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर्स में। इसके बाद हमने IUPAC नॉमनक्लेचर सीखा इन कंपाउंड्स का, जहां हमने बताया कि एल्कोहल्स के लिए हम सफिक्स ओल यूज़ करते हैं, फिनॉल्स के लिए हमारे पास कोई स्पेशल सफिक्स नहीं होता है, फिनॉल्स को एज इट इज IUPAC ने एक्सेप्ट किया है, और ईथर्स के लिए हम ऑक्सिस यूज़ करते हैं। क्लास, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस हैं NCERT के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, NCERT के एक्सरसाइज क्वेश्चंस और वर्कबुक के यहाँ पर मेंशन किया हुआ क्वेश्चन, यानी कि वर्कबुक का क्वेश्चन नंबर 1।